आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के जोशीमठ में हालात अब चिंताजनक होते जा रहे हैं। सैकड़ों लोगों को अभी तक खतरनाक इमारतों से रेस्क्यू किया जा चुका है। अभी तक 700 से ज्यादा घरों में दरारें देखी गई हैं और जमीन धंसने की घटनाएं लगातार जारी है। इसके अलावा 100 से ज्यादा परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भी ले जाया जा चुका है। भूदसाव के कारण घरों और होटलों में आई दरारों के बीच अब इन्हें जमींदोज किया जा रहा है। इधर होटल मालिक और स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया, जहां मारवाड़ी गांव में हालात का जायजा लिया। इसके साथ ही सीएम धामी ने जोशीमठ में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। और गृह मंत्री अमित शाह ने जोशीमठ मामले पर बैठक बुलाई है। गृह मंत्रालय में थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने की सीएम धामी से बात। गृहमंत्री ने बातचीत कर जाना जोशीमठ का हाल। गृहमंत्री ने दिया हर संभव मदद का आश्वासन। तो बड़ी अपडेट इस पूरे मामले पर दे रहे हैं। अहम बैठक बुलाई गई है और वो इस वजह से भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जिस तरह के हालात जोशीमठ में बने हैं बेहद चिंताजनक। एक तरफ सरकार के समक्ष चुनौती है, किसी भी तरह से ये जो आपदा के हालात वहाँ बने हैं इसको नियंत्रित किए जाने के साथ साथ वहाँ जो लोग हैं जिनके लिए सबसे ज्यादा समस्या पुनर्वास की हो रही है उसे भी सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि जोशीमठ में जिस तरह की आपदा आई है वहां करीब 723 घरों में दरारें आई हैं, जिसके चलते अब लोग रोते बिलखते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, चिन्हित किया गया था कई घरों को जिन्हें गिराया जाएगा, जिसके बाद लोगों में आक्रोश भी व्याप्त हुआ और प्रदर्शन करते लोग नजर आए। खासतौर पर देखिए, जिन घरों को चिन्हित किया गया था पहले चरण के लिए उनके अलावा दो होटल भी चिन्हित किए गए थे, जिनमें मलारी इन और माउंट व्यू होटल था। तो मलारी इन के मालिक के परिवार ने सड़क पर लेटकर प्रदर्शन किया और उस दौरान उनके घर के लोग रोते बिलखते नजर आए। और जो जोशीमठ के लोग हैं उनका कहना है कि उचित मुआवजा दिया जाए जो कि पीड़ित परिवार हैं उन्हें। हालांकि मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी लगातार हालातों पर नजरें बनाए हैं, वहां पहुंचे भी और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और हर संभव मदद करने की के लिए आश्वस्त भी किया वहां के लोगों को और कहा कि आप मुआवजे की चिंता ना करें। ये भी पुष्कर सिंह धामी ने कहा। लेकिन अब इसी बीच ये बड़ा अपडेट कि गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से बात की फोन पर और हालातों को जाना राज्य की। हालांकि कई बातें इस पूरे मामले में सामने निकल कर आ रही हैं और ये भी एक बड़ी रिपोर्ट मीडिया में जिस तरह से सामने आई थी कि 43 साल पहले ही पता चल गया था कि जोशीमठ डूब सकता है। देखिए, जो भारत सरकार है और उन्होंने आज से करीब 50 साल पहले गढ़ीसर के जो तत्कालीन कलेक्टर हैं एमसी मिश्रा, उन्हें ये जानने के लिए नियुक्त किया था कि उत्तराखंड का जोशीमठ शहर क्यों डूब सकता है। और चलिए, इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, देखिए, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल जोशीमठ में जिस तरह के हालात हैं उसको देखकर चिंता राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तो बड़ी है। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी बैठक बुलाई है। बैठक को लेकर आपके पास क्या जानकारी, कौन कौन बैठक में शामिल रह सकता है अदिति? पिछले 4 दिनों में शासन, प्रशासन और केंद्र सब अपने टोस पर हैं, सब लगातार बैठकों का लंबा दौर चल रहा है और सब उस हालात को नियंत्रण में लाने का काम कर रहे हैं। अब देश के गृह मंत्री अमित शाह जो पिछले 4 दिनों से चाहे धामी मुख्यमंत्री धामी से फोन पे बात करके वहां से फीडबैक ले रहे हैं, चाहे फिर तमाम और तरीके के राहत शिविर में क्या कुछ हो रहा है उसका बचाव कार्य कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि जोशीमठ में जो ये आपदा प्रबंधन है उसकी फीडबैक रिपोर्ट अमित शाह ने ली है, जिसमें ये बताया गया है कि कुल 723 इमारतों में दरार आई थी, जबकि लगभग 85 इमारतें ऐसी हैं जिनको असुरक्षित क्षेत्र उस इलाके में घोषित कर दिया गया है और लगभग 500 ऐसे परिवार हैं जिनके पुनर्वास किया जा रहा है। कई अभी राहत शिविर में हैं। यहाँ पर पुष्कर धामी जोशीमठ के राहत शिविर में दौरा किया, वहाँ के लोगों का दुख और उनकी व्यवस्थाओं को देखा। अब सवाल ये उठता है कि ये जो बैठकें चल रही हैं, चाहे पीएमओ स्तर पे, चाहे गृह मंत्री के स्तर पे, बिल्कुल अदिति, हालात चिंताजनक लगातार बने हुए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैसेज जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए।